Thank you.
तेरा लाल ताड़ी ने तल रबदार मारो। कहते हैं फरमाइश करने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब वो कहावत सुनी है ना आपने, शेर सुनने में बड़ा मजा आता है और लेकिन जब शेर सामने आ जाए तो। आज बाबा आया है नीले घोड़े पे चढ़ के, नाच के नहीं जाओगे, उठाओ दोनों हाथ ऊपर, ये सीधा हाथ और मिलके मिलके रूढ़ी चेहरा धड़िया आज पाल जीना थोड़ा माता मेरा देना लाल पानी के कलरा बनता मारो देलो मारो देलो वो तेरा माफी ओ मारो के वो बेलो गुरु जी रा माफी बजे। एक बार
दानी बाई हरि जस गावे अर्जी चवर डुलावे जी। मुझे बार बार बताना पड़ रहा है
Yeah.
निर्जुर मलाले माखन रावो मिश्री शारी जी। ओए आज बाबा को दरबार में बैठकर भोग कैसे लगाना है इन तालियों के माध्यम से। अभी भजन प्रवाहक बहुत से आएंगे, सब आपसे बोलेंगे कि हाथ उठाओ बाबा को रिझाओ तालियां बजाओ। आप संकोच मत करना, क्योंकि जितने बार आप हाथ उठाओगे, आप हाथ उठाओगे 100 बार और उसको बोल दोगे कि बाबा देख मैंने तेरे कीर्तन में बैठकर इतने बार हाथ उठाए, और वो देगा 1 बार और ऐसा देगा कि कभी जीवन में बोलेगा भी नहीं कि मैंने तुझे दिया, ऐसा है मेरा बाबा। कौन कौन मानता है इस बात को कि हम 100 बार उठाएंगे और वो 1 बार देने के लिए तैयार है? जरा उठाओ दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, भोग लगा के, भोग लगा दे बाबा जी। Arriba!
कर लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, किसका किसका परिवार मेरे बाबा के भरोसे चलता है? सबका चलता है। आप ऐसा तो नहीं अपना परिवार स्वयं चलाते हैं? क्योंकि जो अपना परिवार स्वयं चलाते हैं उनकी मैया डगमग बोल जाती है, लेकिन जिनका परिवार रामदेव बाबा बाबा श्याम चलाते हैं ना, उनकी नैया जीवन में डोलती है पर भविष्य में कभी डूबती नहीं है। कौन कौन मानता है? कौन कौन अपनी नैया उसके हवाले करेगा? आज उठाओ जरा दोनों हाथ ऊपर और मिलके आज बाबा से बोल दो कि बाबा, बाबा की कृपा जिस पे हो जाए, बाबा की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। जितने भी महिला हमारे माता बहने बैठी हुई है सबसे विनती है, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे भी और सब महिला आ रही है, थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा सर की इधर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा फटाफट, जल्द से जल्द फटाफट।
आइए थोड़ा इधर इधर, थोड़ा पीछे भी महिला आ रही है, और पीछे एलईडी भी लगाई है और चेयर भी लगाई है, जिनको यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है वहाँ पीछे भी एलईडी लगाई है, चेयर लगाई है, वो पीछे भी बैठ सकते हैं और इस भजन संध्या का आस्वाद ले सकते हैं। और ये जो चेयर पे माता भाई ने बैठी है, पीछे भी बैठने की व्यवस्था है, तो आप ये चेयर वाले जो है वो पीछे बैठी है और पीछे भी नीचे बैठने की व्यवस्था की है सबकी, तो प्लीज सब कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा थोड़ा सर के इधर, एक बार जरा तालियां हो जाए कोमल तिवारी जी के लिए, जरा जोरदार तालियां बजे। एक छोटा सा निवेदन मैं बार बार कर रहा हूं, देखिए हम सब अकोला वासी हैं, सबसे ज्यादा व्यवस्था अकोला वासी बिगाड़ रहे हैं, थोड़ा मैं निवेदन करूंगा। कैसे है, ऐसे तो मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन ये जब हाथ में आता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मैंने देख रखा है मंदिर में बहुत सारे लोग दर्शनों की लाइन में चेयर लगा के बैठे हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप सभी जितने ऊपर बैठे हैं जो चेयर लगाकर अभी भी, आप सभी वहां से खाली कर दीजिए प्लीज, है ना, इस साइड आ जाइए आप, क्योंकि आप जो लोग जा रहे हैं उनके दर्शनों की लाइन में बैठे हैं, थोड़ा साइड में बैठे हैं। और आप सभी, ये मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ये जो अभी पायरी पे यहाँ पे लोग बैठे हैं आप नीचे आ जाइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में गुरु जी का यहाँ पर आगमन होने वाला है, तो आप प्लीज नीचे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक व्यवस्था और आप लोगों बिगाड़ रहे हैं, ये जितनी भी चेयर हैं ये सब उधर दीवार के पीछे जानी चाहिए, भले ही आपको अगर चेयर पे नहीं होता है आपसे, नीचे नहीं बैठना होता है, तो ये चेयर को पीछे ले जाइए, आप भी पीछे ले जाइए, आप उठिए ना, ले जाइए पीछे एकदम। और व्यवस्था कैसे संभालेंगे, उठाइए, चलिए आप लोग भी प्लीज सुनिए, मैं भी आपका बच्चा ही हूँ, चलिए उठाइए यहाँ से चेयर और पीछे जाइए, पीछे हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल वहां पर एकदम पीछे जाइए, जिनसे चेयर पे जिनसे नीचे बैठना हो सकता है वो नीचे बैठे, वरना सीधा वो पीछे दीवार के पास बैठे, क्योंकि अभी धीरे धीरे और भीड़ बढ़ने वाली है, तो कृपया सहकार्य करें, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। त्रिशक्ति परिवार, ये कार्यक्रम आपका भी है और हम सबका भी, इसलिए कृपया अव्यवस्था ना बनाए। सिर्फ चेयर सरकाने के लिए कहा, बातें करने के लिए नहीं, उठा लीजिए सारी चेयर, उठाइए यहां से, जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे ही बैठे, है ना, ताकि बाबा भविष्य में चेयर पे बैठाए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई नहीं रहेगी, ताई जी आप भी सभी, हाँ आ जाइए अंदर। और आप लोग सुनो मेरी बात, कीर्तन में अगर जगह देते हैं तो उस पूरे कीर्तन का फल मिल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा और आगे आगे जितना हो सकता है उतना आगे सरकें, सिर्फ ऐसे हलना नहीं है, सरकना भी है, थोड़ा थोड़ा आगे सरको और आ जाओ। हमारे भाई भी जो खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, खड़े गांव से नहीं आए हम लोग, अकोला के हैं, आइए ना, क्या दरकार है, आइए आगे आगे, आइए सरक ही आगे आगे आ जाओ भैया। जितने लोग खड़े उनसे मैं निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता रहो, हमारे सदस्य रहो, जो भी रहो, खड़े मत रहिए प्लीज, बहुत सारी जगह दी है बाबा ने अपने दरबार में बैठने के लिए, इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम अकोला में पहली बार हो रहा है 12 घंटे की भजन संध्या, तो ये सब आपके सहकार्य से हो रहा है, ये सब आप कर रहे हैं, तो कृपया सहकार्य जरूर करें। जो भी खड़े हैं मैं अभी भी कह रहा हूं, उधर मनोज भैया आप सभी वहां पर जो खड़े हैं उनको बिठाइए, जितने भी लोग खड़े हैं बिल्कुल आप थोड़ा और आगे आ जाइए, ताकि लेडीज अगर और बढ़ जाए तो हम लेडीज को पीछे बिठाएंगे, आ जाइए आगे। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, अभी कम से कम 40 लोगों की चेयर छूट के वो नीचे बैठे हैं, 40 लोगों ने चेयर छोड़ी है, वो वहां नहीं जाना चाहते, नीचे बैठ गए, ये क्या बात होती है, अगर कीर्तन में आए हो तो जमींदार बन के बैठो, है ना, बोलिए सच्चे दरबार की, बस व्यवस्था बनाए रखें, आपसे हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं। यहां पे भी नहीं, बिल्कुल दीवार के पीछे पीछे और पीछे, यहां पे भी नहीं चाहिए मुझे, वो कारपेट बैठने के लिए बिठाया है, एकदम पीछे पीछे बिल्कुल एकदम दीवार के पास चाहिए, कार्यकर्ता जितने भी हैं, चलिए जल्दी जल्दी, ये सब आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्था ना बिगड़े। आइए दरबार में कोमल तिवारी कानपुर,
बोले बात करने वाले भक्तों की हमारी कानपुर में कहते हैं कि जो कुर्सियों पर बैठते हैं वो होते हैं चेयरमैन। कौन होते हैं? और जो जमीन पर बैठते हैं वो होते हैं जमींदार। और जमींदार भी क्यों? क्योंकि हर किसान को अपनी फसल लहराते हुए अच्छी लगती है ना? और आज मेरा बाबा किसान और हम सब श्याम प्रेमी, हम सब बाबा प्रेमी उसकी फसल। अगर हम खुश होकर इसको रिझाएंगे तो उसको भी आनंद आएगा और साथ में हमको भी आनंद आएगा। आओ, जैसे कि फरमाइश हो चुकी है, एक भजन बाबा श्याम का, दादी का, और फिर उसके बाद छोटी सी धमाल। भजन सुनाते जो इसको प्यारे, उसके तो परिवार के वारे न्यारे। मंदिर सा घर वो बन जाता है, साविर की महफिल को साविरा। मेरा बाबा दर पे बुलाता है। प्रेमियों, ना जाने कितने दिन से तैयारी कर रहे थे कि त्रिशक्ति महोत्सव, त्रिवेद शक्ति महोत्सव बाबा का मिलकर मनाएंगे, लेकिन ये हकीकत है दरबार की, हर कोई नहीं आया, आया वही जिसको मेरे बाबा ने बुलाया, और बैठा भी वही है, बैठा भी वही है जिसको मेरे बाबा ने बैठाल के इस दरबार में रखना है। वरना आप देखिएगा, आप आखिरी तक बैठोगे, आरती तक नोटिस करिएगा, कुछ आएंगे, भजन सुनेंगे, बैठेंगे और चल देंगे। मैं तो ये समझती हूँ कि दरबार में जो बीच में से उठ के चले जाते हैं वो स्वयं खुद नहीं जाते, उनके सर पे पाप भारी होने लगते हैं, उनको दरबार में बैठने नहीं देते हैं, इसलिए मेरा बाबा उनको दरबार से बाहर कर देता है। किसका किसका परिवार इसके भरोसे चलता है, किसकी किसकी नैया इसके भरोसे चलती है, जरा उठाओ जरा हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली, एक सा, एक दो तीन, इच्छा Thank you.
भजन सुना दे जो इसको प्यारे उसके तो परिवार के बारे न्यारे उसके तो परिवार के बारे न्यारे मंदिर सा घर वो बन जाता है मंदिर सा घर ये बन जाता है Oh,
सबको है अपनी पड़ी, यहाँ सबको है अपनी पड़ी। मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या तेरी हस्ती थी, आज मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या तेरी हस्ती थी। ना ये रंग था ना ये ढंग था, ना तेरे नाम की मस्ती थी। ना ये रंग था ना ये ढंग था, ना तेरे नाम की मस्ती थी। हाँ तूने ही अनमोल बनाया वरना जिंदगी सस्ती थी। तूने ही अनमोल बनाया दीवाने हो गए। जग की झूठी माया से बेगाने हो गए, जग की झूठी माया से बेगाने। उठाओ जरा दोनों हाथ, जो जो दीवाने हैं दोनों हाथ ऊपर मिलके। ऐ शाम तेरे हम चौखट पे बैठ कर पांच मिनट भी अगर श्रद्धा भाव से बैठ गए ना, तो भाई साहब आपकी जिंदगी सवर जाएगी। ऐसा है मेरा लख दातार, क्योंकि देने में आ जाए तो लख दातार बना देता है, और लेने में आ जाए तो लख दातार बनने में देर नहीं लगती। बोलो, मुझको डर है तुम्हारे तो।
सहारे वाली तालियां बजाओ ना, विश्वास मानना जितनी तेज ताली बजाओगे ना इन हाथों से, आज की रात इन दुख की रेखा हमेशा हमेशा के लिए बाबा खत्म कर देगा। मिटी मिटी ताली, एक दो तीन। कौन मानता है इसके बिना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। कहने को सब साथी सब अपने, लेकिन जब गर्दिश रंग दिखाता है तो कोई सगा से बढ़कर भी काम नहीं आता। काम आता है तो बाबा और मेरी दादी, किसके किसके काम, एक हाथ दादी के लिए और एक हाथ बाबा के लिए, दोनों का मिलन करते हुए। तेरे बिना शाम खाटू नरेश की, बोलिए लखदातार की, बोलिए हारे के सहारे की। आइए बाबा के दरबार में अंतिम भजन, उसके बाद बहुत से भजन प्रवाहक आपके सामने आएंगे। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकार लगाइए ना, बोले रानी सती दादी की, बोल खाटू नरेश की, बोल राम सा पीर की। आइए एक भजन सिर्फ दादी का, मीठे मीठे भजनों से तुझको रिझावा, मीठे मीठे भजनों से तुझको रिझावा, दादी थाने मीठा मीठा भजन सुनावा, दादी थाने मीठा मीठा भजन सुनावा, भारी झोली इतनी भारी झोली इतनी भरिए दर पे आवितारवा, दर पे आवितारवा, क्यों
मैं तो थारे दरबार से ही मांगता रवा, मैं तो थारे दरबार से ही मांगता रवा। दादी इतनी कृपा करिए दर पे आवता रवा, दर पे आवता रवा, मैं तो थारे दरबार से ही ओ मैं तो थारे दरबार से ही। कौन कौन दादी प्रेमी है इस भजन में, मैं चाहूंगी माताएं बहने नाच के रिझा लेना, अंतिम भजन है दादी का, इसके बाद खेमता दीदी दरबार में, जरा उठाओ दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर और मस्ती में कहना क्या, दादी इतनी कृपा करिए ओ
बात याद आ गई, बुरा तो नहीं मानेंगे। मोटा मोटा सेठ बाड़िया ठुमक ठुमक नाचे रे, मोटा मोटा सेठ बाड़िया ठुमक ठुमक नाचे रे, बाबा की नगरी में देखो सगल्या घूमर खाले रे, बाबा की नगरी में देखो सगल्या घूमर खाले रे, मोटा मोटा सेठ बाड़िया ओए मिलके बोलो, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, कानपुर से। एक्चुअली आपको एक बात बोले कि हमारे यहाँ 10 बजे बंद करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल वो प्रॉब्लम है हम लोग का। बोले सच्चे दरबार की जय हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मुझे आप सभी प्रेमियों का इतना ही प्यार मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है।
एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकार लगा के आशीर्वाद दे दीजिएगा। बोले खाटू नरेश की, बोले लखदातार की, बोले हारे के सहारे की, बोले राम सा पीर की, बोले रानी सती दादी की, बोले बालाजी सरकार की, बोले शंकर भगवान की, बोले भक्त और भगवान की। आप सभी को कोमल तिवारी की तरफ से जय श्री श्याम, जय बाबा की, जय राम सा पीर की। कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, दोबारा आऊंगी आप सभी के समक्ष, तो हम सभी मिलकर बाबा का दादी का गुणगान करेंगे। बोले खाटू नरेश की। हेलो, बोले सच्चे दरबार की त्रिशक्ति महोत्सव में विशाल 12 घंटे की भजन संध्या में आप इतनी दूर से कानपुर से हमारे बीच पधारी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रूपा भाभी जो हिंगोली से हमारे बीच हैं, और सीमा भाभी जो मुर्तिजापुर से हैं, आप आएं। और कोमल तिवारी, अगर आपको भजन अच्छे लगे हैं तो जरा जोरदार तालियां बजें। कोमल तिवारी कानपुर से हमारे बीच, जरा जोरदार तालियां। हमारे बीच कांता देवी गोयनका जी हैं, वो भी यहाँ पर श्री रामदेव बाबा एवं श्री श्याम बाबा सेवा समिति की ओर से आए और कोमल तिवारी का स्वागत करें, ये मैं निवेदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कोमल दीदी वहाँ तक थोड़ा सा चली जाएं, क्योंकि उनसे